बिहार चुनाव नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। और निश्चित रूप से बिहार चुनाव में अगर हमारी पार्टी जीतती नहीं दिख रही है तो ये एक झटका तो है। फौरी तौर पर सर खामी क्या देखते हैं, कहाँ चूक हुई है? क्योंकि आप लोग कहते थे कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास करेंगे, विकास के एजेंडे को आपने सामने रखा, चूक कहाँ रही सर? अब हम चूक अपनी तो उसको देखने में समय लगेगा, हम जरूर उसकी समीक्षा करेंगे कि हमारी चूक कहाँ रही, लेकिन जो तुरंत हमको दिख रहा है वो यही है कि ये लालू यादव जी की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है जिनके साथ नीतीश जी का गठबंधन है। तो बिहार ने इतना तो किया है कि वो उन्होंने जनादेश दिया है कि लालू जी का जो पिछला कार्यकाल था वो भले जंगल राज रहा हो लेकिन हमें एक्सेप्ट है। मोदी लहर पर बीजेपी सवार दिख रही थी, तो विपक्ष का ये कहना है कि दिल्ली के बाद बिहार हारना, तो क्या ये मोदी फैक्टर की हवा निकलना नहीं है? देखिए, मैं ये नहीं मानता कभी भी कि कोई भी जीत में सिर्फ एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है या किसी हार में एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के चेहरे हैं तो इस नाते वो सबसे आगे रखा ही जाता है। बाकी जहाँ तक बात है प्रचार करने की, तो उनसे ज़्यादा रैलियाँ सबने की हैं, हमने भी बहुत रैली की, 146 सभाएं की, हमारे सुशील मोदी जी ने 190 सभाएं की और भी लोगों ने 100-100 सभाएं की। तो बात ये नहीं कि आप किसी एक व्यक्ति को ही दोषी या ताज बांध सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी डिसीजन आ रहा है उस पूरी पार्टी जिम्मेदारी लेती है।